जय श्री श्याम। आप सब लोग कैसे हैं और गणेश चतुर्थी कैसे सेलिब्रेट की प्लीज़ बताइएगा। और आज हम एक जगह और जा रहे हैं और मेरी फ्रेंड है, मतलब मिल चुके हैं आप सब लोग, मिला दिया मैंने उनको। वो मेरे क्या कहते हैं स्टाफ की हैं, उन्होंने भी पप्पा रखे हुए हैं जी। उन्होंने फ़ोटो डाली थी, बहुत ही क्यूट से प्यारे से लग रहे हैं। आज हम जा रहे हैं उनसे पप्पा से मिलने और ले आपको ले चलते हैं वहाँ पर, दिखाते हैं पप्पा को। मिल चुके हैं, तीसरी चौथी या पांचवा मिल रहा है। हम अक्सर मिल जाते हैं। हाँ, तो हम ना तीसरी फ्रेंड जो हमारी है उनके साथ उनके यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, आपको पप्पा दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत पप्पा आए हैं। गणपति बप्पा जी है ना, क्यूट से बहुत ही प्यारे हैं। भगवान जी से मिलने पहले तुमसे बाद में मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी दीदी जिनके हम आए हैं, इनके यहाँ बप्पा रखे गए हैं और इनसे भी आप मिल चुके मोरिया इनसे भी आप मिल चुके हो, इनसे तो आप मिलते ही रहते हो। और इधर दीदी ने हमारे कितने सारे सामान रखे हैं। इधर गणपति बप्पा जी के वो हैं, क्या कहते हैं, भोग है, प्रसाद है। ये देखिए बहुत सारा रखा है, मोदक, ये मोदक इतने सुंदर सुंदर। और ये देखिए 3 गिलास रेडी है हमारे चैंपियन के। ये देखिए कितनी सारी मिठाइयाँ, बहुत सारा दीदी ने हमारे लिए रखा हुआ है। दीदी आप नहीं खाएंगे कुछ? खाएंगे, भोग तो लगेगा सबका। चलिए पेड़ भी खा के फिर बात करते हैं आपसे। चेयर्स दीदी। फ्रेंड्स, अब आई हूँ मैं, 2-2.5 घंटे हो गए थे वहाँ पे गए हुए और फिर आके नहाई। इतनी गर्मी हो रही थी, बहुत बुरा हाल। इधर से तो चले गए थे रिक्शे से, उधर से आए पैदल। और देखा फ्रेंड्स, उन पापा कितने सुंदर लग रहे थे, क्यूट से, क्योंकि विसर्जन कर दी थी वो दीदी, इस वजह से गए थे उनको देखने कि मिलना है पापा से। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, जय श्री श्याम।